पाकिस्तान की हुकूमत के पास अपने मुल्क की बेहतरी के लिए कोई प्लान नहीं, लेकिन कश्मीर में अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश में कोई कमी भी नहीं। अब जब एक हफ्ते बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी, ऐसे में बौखलाए पाकिस्तान ने बीती रात एक बार फिर सीमा पार गोलियां बरसाई। दहशतगर्दी की खेती करने वाला पाकिस्तान एक बार फिर तख्ता पलट की दहलीज पर खड़ा। महंगाई और गुर्बत से त्रस्त होकर पाकिस्तान की आवाम सड़कों पर है। हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान की आवाम जेल में बंद नेता में अपना भविष्य देखने के लिए मजबूर हो चुकी है। पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। हर बीतते वक्त के साथ इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ और रावलपिंडी में जनरल मुनीर को अपनी कुर्सी का डर सता रहा है, और इसी डर का नतीजा है कि शहबाज और मुनीर मिलकर हिंदुस्तान के खिलाफ रोजाना नई साजिश रच रहे हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल के एक तरफ है हिंदुस्तान, जहां लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव की तैयारी है, और इसी के दूसरी तरफ है जिन्ना के सपनों का पाकिस्तान, जहां हर रोज जमहूरियत का तमाशा बनाया जा रहा है। सरहद के दो तरफ दो मुल्कों की ये दो तस्वीरें। जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद पहली दफा विधानसभा चुनाव हो रहे, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान, जहां जमहूरियत के कब्र में आखिरी कील ठोकने की तैयारी चल रही है। कश्मीर में मजबूत होते लोकतंत्र ने पाकिस्तान की बौखलाहट बढ़ा दी। पहले शहबाज और मुनीर ने घाटी में दहशतगर्दों की खेप सप्लाई की, और अब पाकिस्तानी पोस्ट से कश्मीर को अशांत करने की कोशिश की जा रही है। 11 सितंबर की सुबह करीबन 2:35 पर पाकिस्तान की तरफ से कानाचक इंटरनेशनल बॉर्डर पर अनप्रोवोक फायरिंग जो है वो की गई है, जिसमें बीएसएफ का एक जवान जो है वो घायल हो गया है। आपको बता दें कि इसका मुंहतोड़ जवाब जो है वो बीएसएफ के जवानों ने दिया है, और इस समय जी मीडिया की टीम उसी स्पॉट पर पहुंची है जहां पर देर रात जो है फायरिंग की गई है। आप वो देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से लगातार अब सीनियर ऑफिसर जो है वो भारतीय सीमा सुरक्षा बल के वो लगातार बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें पाकिस्तान की पोस्ट की, तो लगातार आप देख सकते हैं यहीं पर बिल्कुल सामने वो पाकिस्तान का झंडा आपको दिख रहा है, जहां से पाकिस्तान ने ये नापाक साजिश करने की यहां पर कोशिश की है। बीती रात पाकिस्तान की तरफ से हुई फायरिंग सोची समझी साजिश थी। 7 महीनों बाद सीजफायर वायलेशन के पीछे कश्मीर चुनाव को लेकर पाकिस्तान की बौखलाहट है। लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर की जनता ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, और अब धारा 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर की जनता अपनी सरकार चुनने जा रही है, जिसने इस्लामाबाद की बेचैनी बढ़ा दी। कोशिश है कि विधानसभा चुनावों में खलल डाला जा सके, पर उसे लगातार यहां पर भारतीय सीमा सुरक्षा बल के जवान, भारतीय सेना एलसी से लेकर इंटरनेशनल बॉर्डर पर पूरी तरह से अलर्ट है, और इसीलिए आप देखिए सीनियर ऑफिसर जो हैं वो यहां पर मौके पर पहुंचे हैं। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहले चुनाव है, जहां एक तरफ सीज फायर चल रहा है भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच, उसी समय पर इस तरह की कायराना हरकत को यहां पर पाकिस्तान ने अंजाम दिया है। अखनूर में पाकिस्तानी सेना की फायरिंग का माकूल जवाब भी दिया गया, हालांकि बीएसएफ जवानों की फायरिंग में पाकिस्तान को हुए नुकसान की अभी जानकारी नहीं, लेकिन पाकिस्तान की हरकतों को देखते हुए बॉर्डर से लगे सभी पोस्ट अलर्ट पर। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पाकिस्तान की बेचैनी लाजमी है। लोकसभा चुनाव में करीब 52% मतदान से जनता ने अपना मूड साफ कर दिया। नई सरकार के गठन से ग्लोबल लेवल पर पाकिस्तान का दावा और कमजोर होगा, साथ ही अलग अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में भारत का कद और बढ़ेगा। इन्हीं वजहों से पाकिस्तान चाहता है कि जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव न हो पाए। नतीजा, एक तरफ जहां दहशतगर्द की फैक्ट्री में नई वैकेंसी निकाली जा रही है, तो वहीं मुनीर के कमांडर वर्दी में आतंकवादियों वाली हरकतें कर रहे हैं। कश्मीर में लोकसभा चुनावों में भारी मतों से यहां पर लोगों ने डेमोक्रेसी को जिंदा रखने में यहां पर अपनी भूमिका निभाई थी, लगातार यहां पर एक अहम रोल निभाया था, और उसके बाद अब पाकिस्तान ये चाहता है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों में खलल डाला जा सके। एक तरफ जहां लगातार वो इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें कर रहा है, जहां लगातार घुसपैठ की कोशिशें कर जम्मू कश्मीर में हमले करवाने की साजिशें रच रहा है, जिस तरह से हमने देखा नशारा सेक्टर में 2 पाकिस्तानी लश्कर के आतंकियों को यहां पर ढेर किया गया, उसके बाद अब देर शाम 11 सितंबर को कानाचक इंटरनेशनल बॉर्डर पर यहां पर फायरिंग कर पाकिस्तान यह दिखाना चाहता है कि किसी तरह से वो यहां घुसपैठ कर सके, या फिर किसी तरह से हमले कर अपनी यहां पर मौजूदगी दिखा सके, लोगों में दहशत फैला सके। बहरहाल, ऐसा पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में इस तरह की नापाक साजिशों को अंजाम देने की कोशिश की। हर बार की तरह इस बार भी पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा।
साथ ही 370 हटने के बाद पहली बार सरकार चुनकर कश्मीर की जनता पाकिस्तान के दावों का सबसे करारा जवाब दी। रजत वोरा, अखनूर, जी मीडिया।